हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक देश और दुनिया, वास्तुशास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाय। ये है दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की कुछ रोचक बातें। हिमालय के घास के मैदान में स्थित यह मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो कि समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आइए जानते हैं इस रोचक मंदिर के बारे। पुंज केदारों में शामिल इस मंदिर का नाम तुंगनाथ मंदिर है। हिमालय के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यह मंदिर आमतौर पर बर्फ की चादर ओढ़े रहता है, जिसकी सुंदरता जुलाई अगस्त में देखते ही बनती है। 1.5 किमी की ऊंचाई चढ़ने के बाद प्राचीन शिव मंदिर से ऊपर 14,000 फीट पर चंद्रशिला नामक चोटी है, जहाँ ठीक सामने से छू लेने योग्य हिमालय का विराट रूप देखा जा सकता है। मंदिर की खासियत, मंदिर के चारों ओर बिखरी शांति में ऐसा लगता है मानो आप प्रकृति और भगवान शिव की ही गोद में बैठे हो। तुंगनाथ मंदिर से नीचे जंगल की सुंदर रेंज और घाटी का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर में भगवान शिव के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा होती है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने यहाँ अपना प्रायश्चित संपादित किया था। इस जगह पर बिन पूंछ का चूहार पाया जाता है, जिसे हिमालयन पिका कहते हैं। त्रेता युग से जुड़ी मान्यता, यह भी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया, तब स्वयं को भ्रूण हत्या के शाप से मुक्त करने हेतु उन्होंने यहाँ पर आज भी मौजूद चंद्रशिला नामक शिला पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। द्वापर युग से जुड़ी मान्यताएं और मान्यता अनुसार द्वापर युग में युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर समेत पांचों पांडवों के दिल में महाभारत युद्ध में हुए भारी नरसंहार की पीड़ा शेष थी। जैसे ही अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजकाज संभालने लायक हुआ, पांचों पांडवों से राजा बनाकर हिमालय प्रवास को चल दिए। पांडवों ने तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला पर पहुंचकर महाभारत के दौरान हुए रक्तपात व नरसंहार के प्रायश्चित स्वरूप भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए इस शिव मंदिर का निर्माण किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।